दोस्तों खबर है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर एमएस नरसिम्हन का कल 16 मई रविवार को निधन हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि नरसिम्हन शेषाद्रि परिमेय के लिए जाने जाते थे। वे गणितज्ञ विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी भी प्राप्त की थी। वहीं आपको बता दें कि अभी उनकी मौत के कारणों का पता नहीं चला है। उनका निधन 88 वर्ष की उम्र में हुआ है। वहीं आपको बता दें कि उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने उनके निधन पे कहा है कि उनकी फैमिली और उनके मित्रों को इस कठिन समय में शक्ति दे। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने भी ट्विटर पर लिखा है कि श्री एम एस नरसिम्हा जी के निधन से दुखी हूं। वह एक महान गणितज्ञ थे और वे विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं। वहीं आपको बता दें कि 1992 में वे ट्राइस्टे में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए गए थे, जहां उन्होंने गणित में शोध समूह का नेतृत्व किया था। वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के मादक फेलो हैं। वे 1975 में भाटनगर पुरस्कार, वहीं 1987 में गणित के लिए तृतीय विश्व अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं और रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो भी हैं। वहीं उन्हें विज्ञान के लिए किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था। आपका उनके निधन पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।